Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Good morning everyone, this is Abhishek again और ये हमारा 31st class है और जिसमें मैं सब्सक्राइबर्स का आर्टवर्क रिव्यू करता हूँ और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है देखने के लिए और इम्प्रूवमेंट दिखता है मुझे ये आर्टवर्क में जो कि अंडर 14 में है जो देख रहे हो ये सब जो है ये अंडर 14 में है आर्टवर्क और बहुत ही बेहतरीन बनाया इन लोगों ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया कि क्रेज़ बहुत ज़्यादा था और जैसा कि आप लोग कहाँ पर देख सकते हो ये वर्क आपको देखना पड़ेगा जो कि आप नए हो तो मेरी वेबसाइट पे जाइए sketchbookbyabhishek.com वहाँ पे आप यूट्यूब सेक्शन मिलेगा उसमें आप कॉम्पिटिशन में जाइए फिर आपको मिल जाएगा और एक मैंने रन किया था एक जैसे कि कॉन्टेस्ट था कि 14 ईयर्स अबव या फिर 14 ईयर्स बिलो दोनों में से कौन सा जीतेगा तो जैसे कि वोटिंग कैसे करना है आप लोगों को जैसे 14 अबव मैंने रखा और वोट मैंने कर दिया तो वोट मेरा काउंट हो जाएगा यही सेम जो है टेक्निक है जो प्रोसेस है सिलेक्शन में काम आएगा जब हम विनर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे अभी देख रहे हो कि 14 ईयर्स बिलो जो है अभी 55.9 यानी कि 56% और ये 44% तो इतना ज़्यादा है कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि 14 ईयर्स से जो बिलो है वही जीतने वाले हैं तो ये बात हो गई हमारी कि कौन जीतेगा अब हम बात करते हैं रिव्यू की सबसे पहला जो है एनिमेश का है एनिमेश के लिए मैं बता दूँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्राइटनेस चाहिए तो यहाँ पे देखते हैं अभी आउटलाइन चलो आपको जैसे कि अभी आउटलाइन आपको करेक्ट करना है करेक्ट कैसे करना है एक परफेक्ट आउटलाइन आना चाहिए यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये जो है ना एकदम स्मूथ ये सिंगल स्ट्रोक जैसे ये है ना ये सिंगल स्ट्रोक आना चाहिए ये आप करेक्ट कर लोगे इसके बाद आ जाती है शेडिंग शेडिंग में आपने क्या किया है इसमें मैं आपको बता दूं कि शेडिंग में देखो आपने बिल्कुल ही स्ट्रेट स्ट्रेट किया है ये जो है ना लाइंस है ना ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है जबकि ये स्ट्रेट नहीं होंगी जैसे इसका शेप है ना जैसे ये शेप है उसके अकॉर्डिंग ही ये जैसे देख रहे हो ये वैसे ही शेडिंग होनी चाहिए ये वाला जो है ना तो यहाँ पर जैसे इसे किनारे पर देख रहे हो ना वैसे आना चाहिए शेप के अकॉर्डिंग ही हमें शेडिंग करनी है और ये जो शेडिंग है ना ये बाद में आने वाले टाइम में जब आप पोर्ट्रेट करोगे या तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है जैसे हेयर ड्राइंग वगैरह ये प्रॉब्लम कब होती है जब आप इनिशियल डेज में प्रैक्टिस नहीं करते हो जो मैंने एक लाइनअप बना के रखा है कब और क्या और कैसे करना तो यहाँ पर बेसिक्स का जो कमी है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए और अगर आप नहीं जानते हैं ये कि बेसिक्स क्या है तो आप जाइए D1 से स्टार्ट कीजिए और आपको बेनिफिट मिलेगा तो इन सब का प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा अंजलि सिंह यहाँ पे ना अभी चिली है जो चिली को अगर आपने डार्क रखा ना तो इसको थोड़ा सा आपको ब्राइट रखना पड़ेगा या फिर इसको आपको थोड़ा सा एजेस पे आपको थोड़ा ब्राइट रखना पड़ेगा एजेस पे ना हल्का सा आपको रखना पड़ेगा जो सेपरेट हो और टीथ का आपको काम करना पड़ेगा जैसे ये टीथ दिया ना तो टीथ का शेप जो है ना वो थोड़ा अलग होता है जैसे ये देख लो और ये जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा ये थोड़ा क्योंकि एंगल में ऐसे होता है ना तो उसका प्रैक्टिस कीजिए और ये लिप्स का भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा शेप जो है वो थोड़ा अर्बिटर होना चाहिए ये ज्योति क्या बात है ये बहुत अच्छा बना है आपने शेडिंग अच्छी है रियलिस्टिक की तरफ जा रही है लिप्स का मुझे लगता है नोज़ वगैरह सब अच्छा बना है आपने हाँ इसका डेप्थ अच्छा दिया आपने और ये कुछ ऐसे दीजिए ये आएगा तो ये ऐसे कर देना है आईज का सब कुछ अच्छा है आपने आईब्रोज वगैरह सब अच्छे बनाए बस इसमें ना थोड़ा सा शेडो देने की ज़रूरत है जैसे ये है ये जो कैप है ना कैप में से थोड़ा शेडो तो आएगा ही ना उसमें तो ये सब जो है थोड़े से शेडो वगैरह जो है वो किनारे किनारे वो आप ऐसे ऐड कर सकते हो और टैप दे सकते हो इसमें थोड़ा ब्राइट करने की ज़रूरत है ऑल दो क्लॉथ अगर डार्क है ना तो आपने लाइट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आप उसको शेडिंग कीजिए
यहाँ पे देखते हैं पानी गिर रहा है। पानी का गिरने का एक तरीका है, वो आपको बता दूँ मैं। पानी कैसे गिरता है, ये जो है ना, एक तो इधर से गिरेगा, क्योंकि जो है उन्होंने हैंड को ना, आप ग्रेविटी होती है ना, ऐसे ऐसे गिर के उछल के नहीं जा सकती, वो ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसे तो है नहीं, तो यानी कि अब हाथ के गैप से जितना होगा ना, वो सब इधर से गिरेगा पानी। तो ये जितना भी है ना, आपको यहाँ से ही गिराना है ये। और इसके साथ साथ जो फेस है, ये कुछ ऐसे, ये आप दे सकते हो, तो ऐसे आएगा फेस का। बाकी ये थोड़ा और ब्लेंड होना चाहिए, ये वाला जो है ना सन का जो लाइट है, येलो और जो ऑरेंज है, वो थोड़ा ब्लेंड होना चाहिए। इसके अलावा ये जो लाइंस जो आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने बताया था ना कि एक ट्यूटोरियल में ज़रूर बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों का जो ये जो लाइंस है ना, उसमें आपको थोड़ा डेप्थ चाहिए। डेप्थ चाहिए मीन्स थोड़ा ब्लेंडिंग होना चाहिए इसे। ये वाला जो है ना, ये आसपास ना एकदम लाइन जो है ना, ये ब्लेंड हो जाना चाहिए, ये दिखने चाहिए इधर या ऊपर या फिर नीचे। ये जो है आपको ऐसे ब्लेंड करना है। तो अब बहुत जल्दी ही मैं ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, यहाँ पे शेडो की कमी है, शेडो भी डालना है आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू लाइट होना चाहिए कि आखिर ये लाइट आ कहाँ से रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब जितने भी है ना, ये सब शेडो वगैरह जो करना है, ये सब कुछ ऐसे ही बनाना है। देख रहे हो, तो इसमें अब आपको लग रहा है ना कि एक लाइट इधर से आ रही है, और तो इसके कारण ये शेडो जो है, क्योंकि फेस का जो उतार चढ़ाव जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अब यहाँ पे आईब्रोज वगैरह जो है, वो सब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, ये ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा है विशाल ड्राइंग हैकर्स फेस, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे एक टोन में जा रहा है, चलेगा, सिंबॉलिक बनाया आपने, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक आने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब जो आ रहा है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया। थोड़ा अब शेडिंग दो, जैसे यहाँ पे शेडिंग है ना, तो यानी कि अपोजिट साइड में डार्क है, तो डार्क होने के कारण फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये साइड में लाइट के अपोजिट साइड है ना, तो यहाँ पे आपको शेडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, यहाँ पे ऐसे। तो लाइट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लाइट है, टेक्सचरिंग है, स्केचिंग के दोनों बहुत बड़े पिलर्स हैं। यहाँ पे भी आपने नीचे से लाइट दिया ना, तो ऊपर से जो भी है ना, तो ऊपर वाला जो है थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा। और इसको जो ये जो है ना एनाटॉमिक, मुझे लगता है ना थोड़ा सा ये वाला इधर आना चाहिए इसको। ये जो अगर आप स्ट्रेट देखोगे ऐसे, तो ये जो नोज आया ना, थोड़ा सा ये और इधर आना चाहिए, ये वाला कुछ ऐसे। बाकी सब अच्छा है, अपोजिट लाइट में आपको थोड़ा सा शेडो देने की जरूरत है, इधर से थोड़ा डार्क रहेगा। ये वाला सर, क्योंकि नीचे से लाइट आ रही है ना, तो आप दिखा सकते हो ऐसे। विराट कोहली, आप पर्सपेक्टिव में इमेजेस मत भेजा कीजिए, आपको ना हमेशा ही टॉप व्यू से भेजना है। और ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी देखिएगा ना, तो चलो ये ठीक है, फेस आपने बनाया, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है इतना आना चाहिए। फिर ये इसका हेयर, ये कुछ ऐसे आना चाहिए इसको। तो आउटलाइन पहले चेक करो,
प्रॉपर एनाटॉमी जो है वो होना चाहिए। निवेदिता सिंह 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के स्केचेस मैंने बहुत ज़्यादा ही देखे हैं, और इसमें ना आपको थोड़ा डार्क रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो है ऐसे ये लगना चाहिए कि ये वाला जो है कनेक्ट होने के बाद इतना आना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे लग रहा है ना कि ये ऊपर निकल जाएगा। जैसे ये साइज है ना, और ये ऊपर से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये इतना ही आना चाहिए। ये कीजिए, बाकी आउटलाइन थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए। और इसके बाद ये अच्छा है। बस आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आउटलाइन की। आउटलाइन शार्प होनी चाहिए। इसमें अगर आपको स्ट्रोक्स दे रहे हैं तो थोड़ा ब्लेंड करना है, तो आप यहाँ पे जो टेक्सचरल जो शेडिंग है ना, इसमें आप यूज़ कर सकते हो पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प यूज़ कर सकेंगे तो अच्छा लगेगा आपको और ज़्यादा। गुड। यहाँ पे जो लाइन्स है ना, ये जो है आपने एक लाइन दिया ना, ये पर्सपेक्टिव है ना, तो ये जो लाइन आपने दिया ना, तो अब जितने भी लाइन होंगी ना एक जैसे बराबर होंगे। वर्टिकल लाइन्स है ना, ये सब बराबर होंगे एक जैसे। इस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी पर्सपेक्टिव वगैरह जो बनाया ना आपने, परफेक्ट बनाया। तो ये देख लेते हैं अभी ज्योति का एनाटॉमी। एनाटॉमी जैसे फेस है ना, फेस का पहले बात करते हैं। यहाँ पे फेस में ना एक अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पे, ये आपने किया ना, तो एक ऊपर एक नीचे जा रहा है। नोज़ भी ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। इसको ना बिल्कुल ही स्ट्रेट आना चाहिए। तो ये नोज़ जो है ये यहाँ से आएगा, तब जाके यहाँ पर आएगा। आई को करेक्ट कीजिए। और हैंड ठीक है, ये थंब ये कुछ ऐसे आएगा। बाकी ओवरऑल आप ही बोल जाएंगे। और इसके बाद ये तो कंपटीशन का वर्क हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद है चिन्मयी, ये भी कर चुके हैं हम लोग। ये है थोड़ा डिफरेंट, और इसमें आए, चलो ठीक है। इसमें हेयर का जो है ना, हेयर स्मूथ आना चाहिए ऐसे, जैसे ये ना ऐसे कुछ है। तो जो एक्स्ट्रा हेयर्स निकले होते हैं ना, उस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। आई फेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा है, चलो ये डिवोशनल स्केच है तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे फिर ये वाला जो है ये कुछ ऐसे आना चाहिए। तो इसको करेक्ट कीजिए। हैंड थोड़ा सा छोटा है, चलेगा। फेस का अगर ऐसे करें ना, तो ये चीज़ें ऐसी आनी चाहिए। तो इसको कर लीजिए। हैंड बहुत बड़ा है, और बाकी जो ब्लेंडिंग जो है ना, वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ करना पड़ेगा। जितना आप गैप दोगे ना दोनों कलर्स के बीच में, तो वो इशू होगा ही। आपको ना थोड़ा सा क्लोज रखना पड़ेगा। रख गया। गुड। शेडिंग आपने अच्छा किया है। इसमें लाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ना थोड़ा सा लाइंस दीजिए। लाइंस किस तरीके की लाइंस होंगे, जैसे
हल्के से जो लाइन होता है ना, स्टिल आप इरेजर के थ्रू आप ये दिखा सकते हैं, जैसे बीच बीच में ना ऐसे हाईलाइट जो है वो आप दिखा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा और डेप्थ की जरूरत है, जैसे ये यहाँ पे, क्योंकि अंदर से आ रहा है। तो ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। अच्छा किया आपने। एनाटॉमी और ये हैंड, एनाटॉमी में अगर देखा जाए अभी अंदर कर लीजिए थोड़ा सा, तब तो 15 मिनट लगेगा। तो इसको जो नोज है ना, नोज को हमें थोड़ा सा अंदर लाना पड़ेगा, ये यहाँ से आएगा और इसके बाद ये वाला जो है ऐसे आएगा, लिप्स आएगा इसके अकॉर्डिंग ये, और आई जो है लाइन पे लाइए, ये भी कुछ इसके अकॉर्डिंग ही आएगा, आईब्रोज इतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लेके जाना, और ये वाला यहाँ तक, बाकी हैंड को आउटलाइन अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए ऐसे, थंब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कुछ ऐसे। इसके बाद रितिका शर्मा, पर्सपेक्टिव में आपने भेजा ना, अच्छा ट्राई किया आपने, ये भी ठीक है, एनाटॉमी ऑलमोस्ट सही है, और यहाँ पे भी बाकी सब तो ऑलमोस्ट अच्छा बनाया आपने, गुड। ये जो आपने बनाया ना, ये ऐसे इतना आना चाहिए, और पानी वगैरह को थोड़ा और ब्लेंड होना चाहिए। ये रिव्यूड, ये सारे रिव्यू हो चुके हैं, और आकांक्षा सिंह, ये थोड़ा आपने रियलिस्टिक ट्राई किया, बैकग्राउंड भी अच्छा किया आपने, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि एक तरफ तो आपको करना चाहिए, जैसे ये आपने किया ना, तो इसको एक तरफ से जैसे थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क की तरफ लेके जाना है, जिससे कि और रियलिस्टिक दिखे, ये सब जो है ना, ये सब शेडो के अंदर आएगा, ये सब फ्लैट नहीं रखना है ऐसे, ये सब इसके नीचे का पार्ट जो है। तो ये थोड़े बेसिक डिटेल्स कीजिए, आई से एक बार चेक कर लीजिएगा दोनों का प्रोपोर्शन। ज्योति देख चुके हम लोग, श्रेयांश मिश्रा, शेडिंग आपने अच्छी कर ली है, और कहीं कहीं ना बहुत ज़्यादा ही कर दिया, तो वो कम करना है, जैसे आई का जो है ना ये थोड़ा ब्राइट रखिए, ये वाला जो आई का जो पार्ट है थोड़ा और ब्राइट रहेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा और ब्राइट रखना, डिफाइन होना चाहिए शेप्स है ना, पता चलना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फेड दिख रहा है, थोड़ा डिफाइन कीजिए उसको। कृतिका, कृतिका देखो एनाटॉमी का इश्यू तो है, फेशियल एक एनाटॉमी, जैसे यहाँ पे देखते हैं ना फेस का जो आउटलाइन है उसके अगर अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं
तो ये कुछ इतना आना चाहिए। ये तो ये लिप्स का ऐसे करना, और आई का चलो ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, ये ऐसे होगा। इसका जो शेडिंग है इसको ऐसे रखना है, ये हो गया। आई बॉल जो है बराबर होने चाहिए दोनों के। नोज में देखो, नोज में क्या होता है ना, एक सर्कल होता है, छोटा सर्कल और एक छोटा सर्कल, तो दोनों में यहाँ पे मिलाना होता है इसको, और फिर ऐसे। अगर इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके देखें तो ये नोज ऐसे और ये वाला ऐसे, बस ऐसे आ जाएगा। लिप्स अकॉर्डिंग टू लाइन, फिर ये वाला, और ये इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसको आप अगर ऐसे करते हो ना, तो इसको आप यहाँ तक ही लेके आओ, ये इतना इतना फेस का आना चाहिए, और यहाँ पे भी ना इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको चेक कर लीजिए, ये फेस का प्रोपोर्शन इतना है। अगर एक साथ बना रहे हो तो चलो ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये फेस ठीक लग रहा है, फिर भी अलाइनमेंट आपने लिया है यहाँ पे, फिर भी ऊपर नीचे हो गया है। इसको चेक कर लो, ये और ये प्लस है, ऊपर देख लो नीचे देख लो। नोज़ का मैंने ऑलरेडी पिछला वाला जो बताया था वो चेक कर लेना, ये जो इसका जो साइज़ है ऐसे, और ये वाला जो ऐसे साइज़ है, तो दोनों बराबर ऐसे होना चाहिए। बाकी ये सब जो है ना, साइज़ जो है ना बराबर होना चाहिए इसका और इसका, तो वो चेक कर लो। आप लोग पुराने वाले भी वर्क जो जिनके जो आप मैं रिव्यू कर रहा हूँ दूसरे के, तो उनका भी वर्क देखिए, तो आप लोग को पता चलेगा। गुड, ये अच्छा जा रहा है, स्मूथनेस अच्छी है, डिटेल्स भी अच्छा जा रहा है। गुड, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वर्क आएगा वो वाला जो फाइनल। ये नज़दीक आएगा, ये जो आप आई बना रहे हो ना, ये आई जो है वो कभी भी ना नज़दीक आना चाहिए, ये यहाँ पे, तो इतना दूर आपको आई को रखना है, तभी वो देखने में लगेगा। बाकी बटरफ्लाई अच्छा बनाते हैं। श्रेयांश, वाह, आइज वगैरह ठीक है, ये तो पोर्शन मेरा फेवरेट है, ये जो बनाया आपने परफेक्ट बनाया। और ये ओवरऑल फेस ना थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, तो इसको आप यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे। वाह, आपकी शेडिंग अच्छी है, स्केचिंग अच्छी है, परफेक्ट स्ट्रोक्स अच्छे हैं, ये अच्छा बनाया आपने, वेरी नाइस। इस बार वॉलपेपर में श्रेयांश के वर्क आएंगे ये भी अच्छा बना है। इसमें आप थोड़ा सा कॉन्टैक्ट भी यूज़ किया कीजिए, जैसे कि शूज़ है, शूज़ में अगर आप थोड़ा सा शेडो वगैरह भी ऐड करोगे ना यहाँ पे, ये जैसे कि इसका शेडो जो है ना इधर तो आएगा ना, तो इस तरीके से ये अपोजिट लाइट है, तो यहाँ पे भी इसका जो शेडो है वो आएगा ज़रूर, तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपोजिट साइड ऑफ लाइट है ना, तो एक तरफ हमें ज़्यादा ही दिखाना है कि इधर डार्कनेस ज़्यादा है, तो और ज़्यादा डेप्थ आएगा ये, और दूसरी तरफ ब्राइट रखना है आपको, तो ब्राइट रखिए और ये वाला जो मस्त आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। तो आज का हमारा रिव्यू इतना ही है, और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी वेट करते हैं कि कब हमारा रिज़ल्ट जो है आने वाला है, तो फिंगर्स क्रॉस, और वेट करते हैं हम जल्दी से, और कल से डिस्प्ले हो जाएंगे सब, जो बेस्ट जो आर्टिस्ट हैं उनके वर्क डिस्प्ले होने लगेंगे, रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।